नमस्कार, मैं अजय श्रीवास्तव न्यूज एक्सप्रेस मीडिया .com में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल इंडिया ने शानदार जीत हासिल की। जीत को हीरो बने जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल और रोहित शर्मा। जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत में ही 2 विकेट लेकर भारत को बहुत बड़ी सफलता दिलाई। फिर चला चहल का जादू, उन्होंने भी 4 विकेट लिए और अफ्रीका की कमर तोड़ दी। अफ्रीका ने 227 रन ही बना सके। लक्ष्य का पीछा करते समय भारत भी लड़खड़ा गई थी, लेकिन रोहित शर्मा की शानदार बैटिंग की वजह से लक्ष्य आसान हो गया। वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलकर भारत ने शानदार जीत हासिल की। अब हम बात करेंगे शिखर धवन की। बागेश्वर अवाडा और क्रिस मॉरिस की तेज गेंदों के सामने रोहित शर्मा और शिखर धवन दोनों बेहद बेबस नजर आए। शिखर धवन के आउट होने से पहले उन्होंने 12 गेंदें खेली जिसमें 8 रन ही बना सके। शिखर धवन को एक बार जीवन दान मिला और उनका बल्ला भी टूट गया। रवाडा ने 6ठे ओवर की पहली गेंद पर ही शिखर धवन को चलता किया। आउट करने से पहले शिखर धवन का उन्होंने बल्ला भी तोड़ दिया। दरअसल रवाडा के 4ठे ओवर की आखिरी गेंद यॉर्कर थी, जिससे धवन ने रोका। गेंद की रफ्तार लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब थी। गेंद ने जैसे ही बल्ले का निचली हिस्सा लगा, उनका एक बल्ले का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। सामने क्विंटन डिकॉक ने शिखर धवन के बल्ले का टुकड़ा उन्हें थमाया और धवन ने तुरंत ही ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया और नया बल्ला भी मंगवा लिया।